गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 20। सेकंड, रिप्लेस द इटैलिस्ड एडवर्ब इन ईच सेंटेंस विद एन एडवर्ब फ्रेज। यहाँ पे हमें एडवर्ब हटा के उसकी जगह पे क्या यूज करना है, एडवर्ब फ्रेज। तो इसके लिए मैंने जो आपको 19 पेज नंबर में बॉक्स था उसका बहुत ज्यादा यूज होगा। डू योर वर्क ऑनेस्टली, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑनेस्टली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, जिसको हम रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे डू योर वर्क इन एन ऑनेस्ट मैनर। हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इन एन ऑनेस्ट मैनर। द पिजन फ्लाई स्विफ्टली, तो स्विफ्टली की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, विथ स्विफ्टनेस। द पिजन फ्लाइज विथ स्विफ्टनेस, या ना स्विफ्ट मैनर यूज कर सकते हैं। शी स्पोक टू अस जेंटली, तो इसकी जगह जेंटली की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इन अ जेंटल मैनर। She spoke to us in a gentle manner. Did Misha behave well? तो well की जगह क्या यूज कर सकते हैं, in a good manner. तो लिखेंगे Did Misha behave in a good manner? We hope to finish it soon. तो soon की जगह क्या लिख सकते हैं, before very long. We hope to finish it before very long. He went away this morning. तो अवे की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, टू अनदर प्लेस। ही वेंट टू अनदर प्लेस दिस मॉर्निंग। वी पास्ड आवर डेज जॉयफुली, तो जॉयफुली की जगह यूज करेंगे फुल ऑफ जॉय। वी पास्ड आवर डेज फुल ऑफ जॉय। माई सिस्टर पेंट्स ब्यूटिफुली, तो ब्यूटिफुली की जगह यूज करेंगे इन अ ब्यूटिफुल मैनर। My sister paints in a beautiful manner. We will pitch the tents just here. तो here की जगह use करेंगे at this place. We will pitch the tents at this place. He was standing there with his father. तो there की जगह use करेंगे at that place. He was standing at that place with his father. Replace the italized adverb. अब सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज में आते हैं। अब हमें यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज हटाना है इन ईच सेंटेंस विथ एन एडवर्ब। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, एडवर्ब यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए देखिए किया हुआ है, सेंड हिम टू अनदर प्लेस। टू अनदर प्लेस क्या है, एडवर्ब फ्रेज। तो इसकी जगह क्या यूज होगा, अवे। सेंड हिम अवे, इसमें भी वो जो आपका बॉक्स है उसका यूज होगा। ही अराइव जस्ट एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट की जगह क्या यूज करेंगे, देन। ही अराइव जस्ट देन। वी थैंक यू विथ ऑल अवर हार्ट, तो विथ ऑल अवर हार्ट होगा एडवर्ब फ्रेज। इसकी जगह पे हम एडवर्ब यूज करेंगे हार्टली, एच ई ए आर टी आई एल वाई, हार्टली। वी थैंक यू हार्टली। फोर्थ नंबर, द विंड ब्लू विथ अ ग्रेट वॉयलेंस। विथ अ ग्रेट वॉयलेंस इज एन एडवर्ब फ्रेज, उसकी जगह यूज करेंगे वॉयलेंटली, वी आई ओ एल ई एन टी एल वाई। द विंड ब्लू वॉयलेंटली। ही वॉज वाउंडेड इन अ ग्रेव मैनर, तो ग्रेवली, जी आर ए बी ई एल वाई। ही वॉज वाउंडेड ग्रेवली। अवर शोल्डर्स फाउट इन अ ब्रेव मैनर, इन अ ब्रेव मैनर की जगह यूज होगा ब्रेवली। अवर शोल्डर्स फाउट ब्रेवली। लेट अस स्टॉप वर्किंग फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, वेरी फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट की जगह क्या यूज होगा, नाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ। लेट अस स्टॉप वर्किंग नाउ। वी ही आंसर्ड एवरी क्वेश्चन इन अ पोलाइट मैनर, तो क्या यूज होगा, पोलाइटली। इन अ पोलाइट मैनर की जगह पे पोलाइटली, पी ओ एल आई T-E-L-Y. He answered every question politely. It was on this spot that the accident took place. On this spot. Place show कर रहा है, तो हम उसकी जगह यूज करेंगे here. H-E-R-E. It was here that the accident took place. I hope that he will come back at a very early date. At a early date की जगह soon use होगा। I hope that he will come back soon. देखिए ये box का, जैसे अवे की जगह हमें to another place use किया, there, clear, that place,
स्विफ्टली के लिए इन अ स्विफ्ट मैनर या विद स्विफ्टनेस, सून के लिए वेरी बिफोर वेरी लॉन्ग है एट एन अर्ली डेट। तो ये टेबॉक्स का हमने उस दो एक्सरसाइज में यूज़ किया है। अब चलिए हम वापस एक्सरसाइज में आते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज पेज नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल एडवर्ब फ्रेज। अब हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब गैप्स फिल अप करने हैं एडवर्ब फ्रेज यूज करके। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आई, फर्स्ट पॉइंट आई एग्री डैश, तो यहाँ पे यूज करेंगे आई एग्री इन द फुलेस्ट मैनर। सेकेंड वाला दिया हुआ है ही फेल्ड डैश, तो हम लिखेंगे ही फेल्ड इन अ मिजरेबल मैनर। डू नॉट आंसर डैश, डू नॉट आंसर इन एन इम्पोलाइट मैनर। फोर्थ वाला दिया हुआ है दैट हैपन डैश, दैट हैपन सम टाइम अगो। ही बिहेव डैश, ही बिहेव इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। द नाइट फाउट डैश इन अ ब्रेव, द नाइट फाउट इन अ ब्रेव मैनर। He reached school dash, he reached school without any delay, D-E-L-A-Y, delay. Do not hit the ball, do not hit the ball too hard. The hunter climbed dash, the hunter climbed in a very careful manner. He does his work dash, he does his work with swiftness. He treated his relatives dash, he treated his relatives in a loving manner. The king treated his minister dash with courtesy, C-O-U-R-T-E-S-Y. The woodcutter struck the wood dash very hard. The police handled the bombs in a very cautious manner, C-A-U-T-I-O-U-S, cautious manner. मतलब यहाँ पे हमने अधिकतर manner behavior वाले use किए हैं और हमने प्लेस भी शो किया है और टाइम भी शो किया है, तो हमने यहाँ पर सेंटेंस को एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट किया है।